हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम वेरियस कॉम्पिटेट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज से, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल के जरिए और हमारे डाउट डिस्कशन ग्रुप के जरिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी इंग्लिश सेक्शन में, जिसमें हम अपनी पहले की सीरीज इंग्लिश बाइट्स को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। इसका आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन 5 वीडियोस को जरूर देखिए। इस सीरीज की खास बात हमारे पास रहेगी कि इसको 5 से 10 मिनट में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बुलेटेड फॉर्म्स में इसकी प्रेजेंटेशन रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर एक्सरसाइजेस आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष सत्यवली, योर इंग्लिश मेंटर। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं हमारे पास, वो हैं आइल और आइल। ध्यान दीजिए, मैंने दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम तरीके से किया है। आयल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, तो क्या दोनों एक ही हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी तरह ये बच्चा क्या है, कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पर ये बच्चा ये सोच रहा है दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, मीनिंग भी सेम है, क्या है? चलिए इसके डाउट को हम दूर करते हैं। तो पहला जो वर्ड हमारे पास आया है वो है मेरे पास आयल का क्लाउड। ये पहली बूंद लेके आया है, कहता है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हूँ वो हूँ नाउन। यहाँ पर दूसरी बूंद जो एक्सप्लेन करती है वो उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि ये है मेरे पास का मतलब होता है कॉरिडोर और पैसेज वे, मतलब कोई भी एक रास्ता। स्पेस बिटवीन रोज ऑफ शेल्व्स, जो भी मेरे पास जो रोज जो भी आपके शेल्फ्स लगी होती हैं, किसी भी खाने की जो भी सामान रखा रहता है उसकी शेल्फ्स होती हैं, उसके बीच की जो भी स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, आयल। और जो भी आपके सीट्स इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नहीं होगा ये एक्चुअली, ये एयरक्राफ्ट में तो कोई आयल नहीं होती है, एरोप्लेन होगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, जो भी उसके बीच में स्पेस होती है उसको कहते हैं। सिनेमा में भी आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी सीट्स लगी हुई हैं तो उसके बीच में जो भी स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयल कहते हैं। यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन से पिक्चर से भी समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका ऑयल का स्टैंड है। किसी भी मॉल में अगर आप जाएंगे तो यह आपका ऑयल का रैक बना होता है, ब्रेड का रैक बना होता है, आपके बार्स टिकिया रिन फेना इनकी भी लगी होती हैं, टूथब्रश का एक अलग आपका शेल्फ होता है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि इन सब के बीच से जो गुजरता हुआ रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, ठीक है? अब मेरे पास दूसरे पिक जो है वो है मेरे पास यहाँ पर एरोप्लेन के अंदर की, जिसमें हमारे पास पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो सीट्स जो होती हैं इनको हम आयल सीट कहते हैं। आयल सीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सीट्स के बगल पे ही मेरे पास एक क्या जाता है, कॉरिडोर और पैसेज वे जाता है। ये जो साइड की होती हैं विंडो सीट होती हैं, ये होती हैं मेरे पास मिडल सीट्स, ठीक है? तो ये मेरे पास आयल सीट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी मेरे पास आयल सीट्स हो जाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल जो आया है वो कहता है नो वन लाइक्स टू सिट ऑन आयल सीट इन एरोप्लेन। कहने का मतलब ये, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो आयल सीट में बैठे। तो क्यों नहीं बैठना चाहता, क्यों? यहाँ से जो भी आपके जो भी फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं वो भी इसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो कहने का मतलब है आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है अगर आप इस सीट पर बैठेंगे, तो कोई भी बैठना नहीं चाहता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेयर ट्रॉली ओवर अ नैरो आयल। जो भी आपकी जो भी ट्रॉली है उसको इधर से उधर घुमाना किसी भी एक पतले रास्ते पे बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब यही है सेंटेंस में, कंजेस्टेड सिटीज ऑफन हैव नैरो आयल इंस्टेड ऑफ ब्रॉड रोड्स। कहने का मतलब यह है जो भी पर कंजेस्टेड सिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी मुंबई में बहुत सारी सिटीज़ हैं आपकी जो मेरे पर कंजेस्टेड हैं, तो उनमें जो भी नैरो आयल है वो देखने को मिलती है मेरे पास, इंस्टेड ऑफ ब्रॉड रोड, चौड़ी सड़कों की बजाय वहाँ पर क्या मिलने को मिलती है, आपके संकरा रास्ता बहुत देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें अपना नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आया है वो है मेरे पास आयल। इसमें जो ये कहता है वो कहता है कि जो मेरे पहली बूंद है वो मैं भी नाउन हूँ। कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, नाउन ये भी है, मीनिंग क्या है इसमें, मीनिंग में डिफरेंस है। देखिए मीनिंग कहता है कि मैं क्या हूँ, आईलैंड हूँ, मैं नाम हूँ, किसी भी आईलैंड का नाम है उसके मैं हूँ, उसको कहा जाता है मैं क्या हूँ, आयल, ठीक है? और आइलैंड कैसा है, यहाँ पर आइलैंड मेरे पास स्मॉल आइलैंड है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करने की कोशिश की, ये हमारा इंडिया का मैप है, मैंने नीचे का ही पोर्शन दिखाया है, ऊपर का पोर्शन नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास जो आइलैंड्स आपने छोटे छोटे आइलैंड से ग्रुप जो बना हुआ है इसको ही हम क्या कहते हैं, अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, छोटे छोटे ग्रुप्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो इनको क्या कहते हैं हम यहाँ पर आयल, ठीक है? इनको हम आयल कहेंगे। यहाँ पर मैनी आइल्स कैन बी फाउंड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबारी, हमारा एग्जाम्पल है जो मैंने एक्सप्लेन किया है।
टुडे सेलिब्रिटीज आर ऑप्टिंग आइल्स फॉर देयर डेस्टिनेशन वेडिंग्स। आप हो क्या रहे हैं, आपने सुना होगा हवाई आइलैंड्स, तो उसमें वो क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ऐसे कनेक्टेड हैं, कैरिबियन आइलैंड्स हैं उसमें ऐसे कनेक्टेड है। तो जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग है, जो भी जैसे इंडिया से बाहर कोई अपनी वेडिंग कराना चाहता है तो वो यहीं पर जा रहा है, क्यों, यहाँ पर उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, इसलिए। तो यही यही सेंटेंस समझाना चाह रहा है आपके पास। यहाँ पर अब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रही है हमारे पास पीवाईक्यू की लिंकेजेस। पीवाईक्यू लिंकेजेस में हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सीजीएल 2016 में पूछा गया, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्या होगा। आप सूची में पॉज लेता हूँ। आशा करता हूँ आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरे पास आर्किपेलागो। देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने कैसे किया है, आर्किपेलागो, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रोनाउंसिएशन करना है इसका। यहाँ पे जो आइलेट है, आइलेट जो होता है वो आइल का भी मेरे पास छोटा फॉर्म होता है, यानी कि वेरी स्मॉल आइलैंड को हम क्या कहेंगे, आइल कहेंगे। ये जो रीफ जो होता है, रीफ देखिए मेरे पास आपने देखा हो कभी कभी किसी डिस्कवरी डिस्कवरी में देखा होगा, तो उसमें जो बीनीथ द ओशन किसी समुद्री तल के जो नीचे होते हैं, मतलब वाटर सरफेस के नीचे वाली जो जमीन होती है उसके अंडर वाटर में आपने देखा होगा कि एक बार ऑफ सैंड्स और रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे पास ये बार जो बना होता है, और जो भी किसी भी चीज़ का बना हो, चाहे वो सैंड का बना हो चाहे वो रॉक का बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रीफ कहते हैं, ठीक है। ऊपर आपका पानी तैर रहा होता है, नीचे यहाँ पर आपके रीफ होते हैं। अभी रीफ बनते कैसे, डिपोजिशन ऑफ सैंड से बनते हैं या कोई भी और भी प्रोसेस से बन सकते हैं। यहाँ पर रीफ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा शायद आपको। अटॉल जो होता है, अटॉल जो होता है वो मेरे पास होता है क्या, रिंग शेप आइलैंड्स जो भी होते हैं मेरे पास, जैसे आपके रिंग शेप में कोई भी आइलैंड्स है, ठीक है, वो होते हैं मेरे पास यहाँ पर, इसको अटॉल कहा जाता है। यहाँ पर आर्किपेलागो का मैंने आपको बता ही दिया है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। सीपीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, गॉड्स एकर रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आप सोचिए कौन सा करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपने ऑप्शन करेक्ट चूज कर लिया होगा। इसका जो मतलब होता है वो होता है मेरे पास सिमेट्री बिसाइड अ चर्च, ठीक है। तो जो भी आप कह सकते हैं जो भी आपका दफनाने की जो मृत्यु के बाद जो भी जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, गॉड्स एकर। ये मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन क्योंकि इसमें वर्ड क्या रहा है आपका आयर, आप कन्फ्यूज ना हो, मतलब जहां भी वो वर्ड आएगा मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइजेस हमारे पास आ चुकी हैं, इसकी एक्सरसाइजेस में ये कहता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कौन से वर्ड यूज करके आपको आयल AILSLEN ये वाला जिसका मीनिंग होता है आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है आपका वो आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पॉज लेता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके जो भी आंसर्स हैं आपके वो आप में हमको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अगर आपके सारे ऑप्शंस जो भी आपने आंसर्स किए हैं वो करेक्ट होंगे तो मैं आपका कमेंट क्या करूँगा, आपका कमेंट हाईलाइट करूँगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपनी आंसर्स टू पार्ट 5 एक्सरसाइज। पार्ट 5 एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर्स ये हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 एमपी का जो आंसर है वो है इनिशियलिज्म। सीआईए क्वेश्चन नंबर 2 इनिशियलिज्म कंप्यूटर एक्रोनिम। क्वेश्चन नंबर 4 सार्क एक्रोनिम। उजाला इज ऑल्सो एन एक्रोनिम। बीसीसीआई इज एन इनिशियलिज्म एंड एफएसएसआई इज एन इनिशियलिज्म। स्माइलर ने हमारे पास करेक्ट आंसर्स दिए हैं बट लास्ट वाला जो है वो इन्होंने लिख दिया है एक्रोनिम। ये एक्रोनिम नहीं है, इनिशियलिज्म है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, FSSAI ऐसे इसको प्रोनंसिएट किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्माइलर जी ध्यान दीजिएगा, आपका एक गलत हुआ है बाकी सब सही हैं। तो चलिए फिर अपनी रैम अप्रोच को अप्लाई करते रहिए और अपने कंसेप्ट को यहाँ पर सॉलिडिफाई करते रहिए। मैं अपनी वाणी को अब आराम देता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक आप ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास साफ सफाई बना के रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। टेक केयर, गुड बाय।